100 सब्सक्राइबर होने की खुशी में पार्टी। सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो अभी टाइम की अगर मैं बात करूँ, 12:45 हो चुके हैं दोपहर के। तो अभी मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। तो अभी हमारी प्लानिंग ये है कि फल फ्रूट वगैरह लेके आने हैं घर के लिए, और आपको पता है सेहत के लिए फल फ्रूट्स जरूरी हैं। तो देखते हैं, वैसे मेरी प्लानिंग है एक पपीता और सेब वगैरह ले जाके जाने के लिए घर पे। तो अभी जो मिलेगा वो लेके चलेंगे। और बाकी एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने एक चैलेंज लिया है। अभी सोचते बैठे बैठे सोचा है मैंने कि 30 डे के अंदर मैंने 30 ब्लॉग डालने हैं। एक भी दिन मैं मिस नहीं करूँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, हर हाल में, हर काल में 30 डे के अंदर 30 ब्लॉग डालने ही डालने हैं। तो वो चैलेंज मैं आज से एक्सेप्ट करता हूँ खुद ब खुद, और आज से शुरू करता हूँ। तो फिलहाल हम चलते हैं अभी बाजार में सामान वगैरह लेने के लिए, और फिर चलेंगे घर पे। तो चलिए चलते हैं। कुछ दिनों से मैं पापा का पुराना बाइक यूज़ कर रहा हूँ। अभी वो तो नहीं रहे, उनका पुराना बाइक है, यूज़ भी करना ज़रूरी है, नहीं खड़ा खड़ा ख़राब हो जाएगा। तो चलिए अभी चलते हैं, चाबी लगा ली है मार्केट में। छोड़ दे विष्णु। ये सोडा है, सोडा ही है। थक गए। अभी मम्मी पी रही है पानी। देखो देखो मैं क्या लाया। दिखाओ दिखाओ क्या लाया। 100 सब्सक्राइबर होने की खुशी में पार्टी। डोरा केक। मम्मी का रिएक्शन देखो। देख मेरे को रोटी नहीं पकानी पड़ेगी, रिएक्शन देखो मम्मी का। नींबू ले 2 किलो। ओ कितना नींबू सस्ते हो गए। गाइस कांग्रेचुलेशन, नींबू सस्ते हो गए। 170 से तो ठीक है, 300 रुपए किलो मिल रहे थे पहला। 300 रुपए किलो, 120 है, कितना फर्क पड़ गया। चलो आज पियेंगे हम नींबू पानी। मेरे को भी कोई बुलाया, उसे भी खा रहे हैं। ओ आ गया, उन्हें मौका मिल जाएगा खाने का। ओ खा गया, चाटन नहीं दे रहे, आप खा लोगे अपनी टट बटर। मैंने चाटन दे। खुश हो गया तो की बात है भाई, ठंडे ठंडे आ गए हैं, नींबू आ गए रखा। सो गाइस अभी खाना आ चुका है अपना, पपीता, रोटी और इसके अंदर है दाल। बाकी कान्हा जी को भी है, हमने दे दिया है केला वगैरह और रोटी वगैरह दे दिया। पहले हम इनको ही भोग लगाते हैं, फिर बाद में हम खुद खाते हैं। तो चलिए हम खाना शुरू करते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ बाद में। सो गाइस अभी खाना खुना खा लिया है। यहाँ पे माता जी खाना खाने लग रही है, पपीता वगैरह खा रही है। और यहाँ पे आ चुका है हमारा, आया नहीं लग। तो यहाँ पे स्नेहा लेके आने वाली है थोड़ी देर में नींबू पानी। पहले लड्डू गोपाल को दे देते हैं हम, फिर उसके बाद हम नींबू पानी पियेंगे। तो गर्मियों में नींबू पानी पीने का मजा ही अलग है। ड्रॉपी भी आ चुका है। नींबू पानी सबसे आगे होगा, नींबू पानी मजा आ गया। मैंने बनाया, मैंने कुक में आऊं। सो गाइस अभी फिलहाल खाना खुना खा लिया है, नींबू पानी पी लिया है। तो अभी हम चलते हैं ड्यूटी पे। 2:19 हो चुका है, तो वो करना ज़रूरी है। बाकी यहाँ पे स्नेहा बर्तन वगैरह साफ कर रही है, और हमारे ड्रॉपी खा रहे हैं कुछ ना कुछ। सो फाइनली दोस्तों मैं ले आया हूँ दूध वगैरह घर पे, और दूध वगैरह लेके
दे देते हैं इनको। कहाँ पे गए सारे? यहाँ पे तो है ही नहीं कोई। हे मेरे ट्रॉफी तो मेरा है। ले तो यहाँ पे चल रही है गार्डन की साफ सफाई। कुछ इस तरह का हमारा छत का सीन है, हरा भरा रखते हैं, कुछ पौधे सूख गए हैं यहाँ पे और बाकी हरा भरा ही है। ये एसी लगा हुआ है, यहाँ पे स्नेहा है और यहाँ पे ये दो बाथरूम है, ये वॉशरूम, ये नहाने वगैरह के लिए, और वहाँ पे भी कह रही है। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम यहाँ पे पी रहे हैं चाय और माता जी यहाँ पे बैठी है, स्नेहा बैठी है यहाँ पे चाय पी रही है, ड्रॉपी बाहर बंधा हुआ है, स्नेहा चाय पी रही है और माता जी भी पी रही है, मैं भी यहाँ पे चाय पी रहा हूँ। तो अभी अगर टाइम की बात बताऊँ तो मैं अभी शाम के बजे से 7:04 और चाय वगैरह पी लेते हैं, फिर उसके बाद दुकान पर जाएंगे, दुकान पर जाने के बाद फिर घर पर आएंगे और फिर आपसे मिलते हैं। सो फाइनली दोस्तों मैं घर पे आ चुका हूँ, यहाँ पे बैठी है हमारी माताजी जो देख रही हैं मोबाइल में कुछ। क्या देख रही हैं? तो ये सारी कैप भी लगा दी है इसके ऊपर। तो लड्डू गोपाल की ड्रेस वगैरह बनाना सीख रहे हैं। बाकी स्नेहा यहाँ पे बैठी है जो कि देख रही है टीवी और ड्रॉपी हमारे बाहर ही हैं। तो आंखें मेरी पता नहीं क्यों लाल होगी, चला गया शायद, कुछ इसीलिए लाल हो रही हैं, देखो। तो फिलहाल हम अभी थोड़ी देर में रोटी वगैरह खाएंगे, रोटी वगैरह खा के फिर हमारी प्लानिंग होगी सोने की, लेकिन उससे पहले मेरे को करनी होगी वीडियो एडिटिंग। ये वाली जो आप अभी देख रहे हैं इसको मैंने वीडियो एडिट करना होगा, तब जाके होगा। बाकी बंटी भी आ चुका है, वहाँ पर खड़ा है, हाथ वगैरह धो रहा है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो बता तो रोटी कब मिलेगी मेरे को? तो अभी यहाँ पे स्नेहा ने तैयारी कर दी है खाना बनाने की। स्नेहा वैसे प्याज प्याज काटने लग रही है लेकिन खाना मैं ही बनाऊंगा थोड़ी देर में। खाना मैं बनाता हूँ डेली, मैं बनाता हूँ खाना। अभी आटा उटा मैंने रख दिया है बाहर, कुकर वगैरह रख दिया है, अब थोड़ी देर में खाना मैं बनाऊंगा। सो फाइनली दोस्तों हमारा खाना यहाँ पे आ चुका है, रोटी और यहाँ पे है वाइट छोले, और मैंने स्नेहा से मंगवाया था पानी का गिलास, और ये देखो क्या देखेगी ये, वो पानी का पूरा जग ही देगी। चलो अभी से खाते हैं पीते हैं फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइज अभी टाइम की बात करूँ तो मैं 2:00 यहाँ पे देख सकते हैं आप 37 हो चुके हैं, और जस्ट अभी हमारी वीडियो एडिटिंग कम्प्लीट हो चुकी है, जो अभी आप देख रहे हो ये कम्प्लीट हो चुकी है एडिटिंग करके। तो वैसे बैटरी भी डाउन दिख रही होगी आपको क्योंकि नींद आ रही है, और इतनी लेट तक सिर्फ मैं ही जगता हूँ, ऐसी ही लाइफ होती है एक नॉर्मल ब्लॉगर की। तो यार आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना ताकि आप देख सकें ब्लॉग सबसे पहले। और बाकी ये वाला ब्लॉग सुबह 8 आ जाएगा, आपको पता ही है, देख रहे हो तो आ गया होगा। और बाकी आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही अनदर व्लॉग के साथ, तब तक के लिए